गुड इवनिंग। शाम के 7 बजे के साथ हेडलाइन के साथ दिन की अहम खबर। मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ डीबीएन टीवी। मुख्यमंत्री के दरभंगा दौरा को लोगों ने कहा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बढ़ाना। मतलब ये कि मुख्यमंत्री नींद से जाग गए हैं, अब शायद कुछ भला हो जाएगा। इन दिनों बीजेपी नेता का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा जाले विधायक जिवेश मिश्रा अपने ही पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता व पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के लिए भद्दी भद्दी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा बेनीपुर मुख्य मार्ग रहा घंटों जाम। बीते रात सोनकी थाना के निकट देखली में सड़क दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने सुबह से ही सड़क को जाम कर दिया। हालांकि स्थानीय थाना ने जाम को हटाने का काम किया है। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में सांप काटने से एक 40 वर्षीय युवक रामा शाह की मौत हो गई। लोगों ने पीएससी की लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर बवाल खड़ा कर दिया। घंटों भर सड़क जाम रहा, जिससे कि आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। उधर घटना स्थल पर समाज सेवी आरिफ जिलानी, अंबर जाप अध्यक्ष बेचन यादव पहुंचकर लोगों को सही मुआवजा दिलाने का मांग किया है। बीते दिनों आई तबाही वाली बाढ़ की मार झेल रही गोड़ा बोड़ान की कई सड़कें ध्वस्त हो गई है, जिसकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। कई गांव का संपर्क प्रखंड से टूट चुका है। दरभंगा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत कार्य जारी है। फिलहाल जिला के अनेकों जगह पर 531 सामुदायिक रसोई व 485 नाव चल रहा है। दरभंगा प्रमंडल के आईजी मयंक परवरे ने मास्क अभियान चलाने का निर्देश दिया है।